डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप इस फिगर में देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर है जनरेटिंग स्टेशंस में, पावर प्लांट में जनरेट होता है, राइट? और ये जो आपके पावर प्लांट है आपके कंज्यूमर एंड से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आपका पावर जनरेटिंग स्टेशंस में जनरेट होता है, आफ्टर दैट इस पावर को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। ये जो आपके पावर ट्रांसफार्मर्स हैं जनरेटिंग स्टेशंस के पास में लगे हुए होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो जनरेटिंग लेवल वोल्टेज है दैट इज ओनली 11 kV। अब अगर 11 kV को हमें हाई वोल्टेज में ट्रांसफर करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स के थ्रू करेंगे। अब लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए या ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इस पावर को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। आफ्टर दैट बाय यूजिंग द ट्रांसमिशन लाइन दिस पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू रिसीविंग एंड। इसी रिसीविंग एंड को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज बोलते हैं, जहां से आपका पावर लोड सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय मींस ऑफ वेरियस सिस्टम्स, राइट? सो अगर ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करें कि इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपके जो पावर है लो वोल्टेज एरियाज में भी जाता है, हाई वोल्टेज एरियाज में भी जाता है। किसी सेक्टर में पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहां पर हम हैवी लाइंस, हैवी वोल्टेज को हम ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, बल्क पावर उनको चाहिए होता है, तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से या जो आपका सब स्टेशन है वहां से हम पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं। कुछ एरियाज आपके ऐसे होते हैं जैसे रेसिडेंशियल एरियाज हैं, स्मॉल कंज्यूमर एंड है, जहां पर हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है। तो इन एरियाज में जब पावर हमारा ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक हमारा जब पहुंचता है तो हमें लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो इस लो वोल्टेज को अगेन अचीव करने के लिए इस हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट ये बिग इंडस्ट्रीज में, स्मॉल कंज्यूमर एंड में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके क्या है? जहां से आपका पावर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसी को हाई पावर की जरूरत है, किसी को लो पावर की जरूरत है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट? अब अगर हम बात करें कि एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कब हम उसको कहेंगे कि दैट इज गुड। सो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो पावर सप्लाई है वो हमेशा कंटिन्यूअस मोड में बना होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। इट मींस सिस्टम शुड बी रिलायबल इन नेचर, राइट? इसके बाद में जो आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, कई बार जो हमारा लोड वेरिएशंस होते हैं तो वोल्टेज में हमारे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। सो जो आपका स्पेसिफिक वोल्टेज फ्लक्चुएशंस है कंज्यूमर एंड में, वो ±5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? सो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है कि कभी भी हम सिस्टम को तभी एफिशिएंट बोलेंगे जब हमारा लोड में वेरिएशंस के साथ में हमारा सप्लाई में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशंस ना हो। फ्लक्चुएशंस होने पर कंज्यूमर एंड में हमेशा पावर आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, मींस कंटिन्यूअस नहीं बनी रहेगी, या फिर हम बोलेंगे सिस्टम की एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, फ्लक्चुएशंस कम से कम होने चाहिए, राइट? दूसरी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ होना चाहिए। सेफ का क्या मतलब है कि कहीं पर भी ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं होने चाहिए जहां पर हमारा फ्लो ऑफ लीकेज करंट हो रहा है या फिर कहीं से कोई लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमेशा सेफर मोड के होने चाहिए, जिसकी वजह से किसी को भी किसी तरीके का खतरा ना हो, नुकसान ना हो, राइट? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि सिस्टम कभी भी ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी एरिया में, अगर हमारा कोई स्टेशन है, सब स्टेशन है, तो हमें वहां के रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, लोड का कंजम्पशन पता होना चाहिए, ताकि हम पहले से प्रिपेयर रहें उस लोड के कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए। अगर ओवरलोडेड हो जाएगा सिस्टम तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगेन फ्लक्चुएशंस वाली प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाती है और कंज्यूमर एंड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, राइट। तीसरी क्या चीज हो सकती है कि भाई आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने लगाया है, जो लेआउट आपने बनाया हुआ है, उसका अपीयरेंस या उसका जो साइट है या लोकेशन है वो अपीयरेंस वाइज क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, राइट। एंड लास्ट थिंग, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम डिजाइन करते हैं, किसी भी पावर प्लांट को जब हम डिजाइन करते हैं तो सबसे जो जरूरत वाली चीज होती है दैट इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिकली कोई भी सिस्टम हमारा बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए। इकोनॉमिक मींस कम से कम कीमत में हम अच्छे से अच्छे चीज को डिजाइन कर पाए। तो जब कभी भी हम ट्रांसमिशन लाइन को या डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज को जब हम डिजाइन करते हैं तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सामने होते हैं, जैसे कि सिर्फ हमारा वोल्टेज के पावर को ट्रांसमिट नहीं करना, उस टाइम पर हमारे पास में कई सारे हमारे सबस्टेशन को हमें इंस्टॉल करना है, ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्टेड हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं हमारे, जैसे इंसुलेटर्स हैं, रिलेज हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं, उसके साथ साथ हमारा कुछ लेबर कॉस्ट है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं। तो इन सभी को लेके हम अपना एक कॉस्ट निर्धारित करते हैं कि हमारा एनुअल कॉस्ट कितना होना चाहिए। तो हमें कुछ सिस्टम को इस तरीके के से डिजाइन करना चाहिए कि इन सभी का अगर हम कैलकुलेशन देखें तो एनुअली हमारे पास में जो हम पावर को डिलीवर कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिकली एफिशिएंट। तो जो इकोनॉमिकली एफिशिएंट की अगर हम बात करें वो कंज्यूमर एंड के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीजें अफेक्ट करती है कंज्यूमर को करती हैं, क्योंकि हम इन सभी चीजों का खर्चा किससे हम निकालेंगे, कंज्यूमर से ही निकालेंगे। और अगर पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर लोड हो रहा है फाइनेंशियली, सो ये भी सिस्टम क्या होगा, एक तरीके से सिस्टम क्या होगा, अनएफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जो आपका सिस्टम हो इनएफिशिएंट ना हो, वो हमेशा एफिशिएंसी उसकी प्रॉपर रहे और वो इकोनॉमिकली कंज्यूमर को हमेशा सेटिस्फेक्शन दे सके। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।